हमारे चाचा की बिटिया की शादी थी, हमारा ग्राम सभा बदलता है, गांव के ही गेस्ट हाउस में। तो हम लोग अच्छा बगल में ही एक मिनट की दूरी होगी गेस्ट हाउस और घर की, तो हम लोग अपना बदला वहीं पर गए हुए थे। 9:45 पर आए तो देखा मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, उस पर अंदर जाकर हम लोगों ने देखा कि अलमारी का ताला टूटा हुआ था, सेफ टूटा हुआ था, सेफ से चाबी निकाल करके जो अन्य ताले थे उसमें लगा करके उससे लगभग हमारा 13.5 लाख रुपये का जेवर और 3.5 लाख रुपये, चूँकि हमारा फर्म है मानपुरा ट्रेडर्स के नाम से बदल कर लिया, पूरा लूट लिया गया। एडिशनल एसपी हमारी कप्तान साहब से बात हुई थी, एडीजे कानून से बात लखनऊ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एडिशनल एसपी को भेज रहा हूँ। मौके पर ही गए थे और 72 घंटों का हमसे टाइम लगा कि हमारा हाल में, चूँकि मैं हिंदू युवा वाहिनी में वरिष्ठ पद पर हूँ, लखनऊ कानपुर संभाग देखता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई हुई इकाई जो कि 2002 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था उसमें मैं पदाधिकारी हूँ, और मेरे घर से चौकी की दूरी मिनट की भी नहीं सेकंड की दूरी है, मेरे घर के जस्ट सामने अर्रापुर का ग्रामीण बैंक है जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए का कैश रखा रहता है। इसीलिए मैंने कप्तान साहब को अवगत कराया है कि अगर ये घटना मेरे साथ हो सकती है, आज पूरे बदरका के कस्बे के व्यापारियों में इतना ज़्यादा भय व्यक्त हो गया है कि वो अपनी दुकानें 7 बजे के बाद बंद कर देते, सोचते कि ऐसा हमारे पास तो लाइसेंस ही रिवॉल्वर है। कप्तान से किस तरह का आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने कहा है कि मैं इस पर सत्ता पर जाऊँगा और जो भी असल दोषी होगा मैं ज्वेलरी के साथ जेवर के साथ रिकवरी करूंगा और निश्चित रूप से जो भी इस घटना के कुकृत्य के पीछे रहा है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। किसी के ऊपर आपको शक है? भाई अब शक तो हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते, अब चूंकि राजनीतिक पराकाष्ठा में व्यतीत हुए हुए हैं तो शक का तो मुझे किसी के ऊपर नहीं, चूँकि मैंने आज तक जो भी हमारे कार्यालय पर आया है मैंने निसंदेह भाव से मदद किया है, चाहे जो भी मुद्दा हुआ हो, चाहे कहीं का मुद्दा हुआ हो, मैंने मदद की है। एडिशनल ने कहा था 72 घंटे में खुलासा करेंगे, उस पर क्या कहना? एडिशनल साहब ने मुझसे 72 घंटे का टाइम मांगा था जो लगभग पूरा हो चुका है, और अभी भी किसी भी प्रकार की, मैं स्वयं कल थाना अध्यक्ष असलगढ़ से मुलाकात किया था, मैंने पूछा तो उन्होंने जिस 5-7 लोगों को लिया था वो निर्दोष थे, इनोसेंट थे, उनको पुलिस ने छोड़ दिया। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हम लोग मेहनत कर रहे हैं और पूरी जाँच एजेंसियाँ लगी हुई हैं, हम देखवाते हैं इसको, देखते हैं, लेकिन अब देखवाने और देखने से हमारे संतोष नहीं होगा। आज की स्थिति इतनी है कि मैं भाई साहब रात भर पूरी सो नहीं पाया। बदरखा में 2 दिन पहले रात्रि में एक चोरी हुई है जिसमें उसके खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और उसी मॉनिटरिंग एडिशनल एसपी खुद स्वयं कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम उस पर आवश्यक कार्रवाई करा करके उसका खुलासा कराएंगे। सर जैसा कि वो लोगों का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों पर उन्होंने शक भी जताया था पहले, और जिसको लेकर पुलिस किस तहत तक पहुंची है? सारे पहलुओं पर गहराई जांच की जा रही है।